हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक साथ दो अपडेट देने वाला हूँ। जो फर्स्ट अपडेट है वो अमित भराना से रिलेटेड है, जो सेकंड अपडेट है वो राउंड 12 से रिलेटेड है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देरी करते हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमित भराना की न्यू वीडियो बकरा नहीं मजनू हलाल वीडियो के पार्ट 2 के लिए अमित भराना का फैन काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता, अमित भराना का बकरा नहीं मजनू हलाल वीडियो का पार्ट 2 इस महीने को देखने को नहीं मिलेगा। वैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है और ट्रेंडिंग में चलेगा जब तक वीडियो, वैसे भी पार्ट 2 अपलोड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगले महीने तक हम देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए आप सेकंड अपडेट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा राउंड 12 के खिलाफ काफी साजिश रची जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ट्विटर पर एक यूजर है जिसका नाम है P70TVNews, उन्होंने इससे पहले राउंड 12 के एक मेंबर वसीम के खिलाफ भी कंप्लेंट किया था। आपको पता होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसके बाद मुरादा पुलिस ने भी एक्शन ले लिया था। लेकिन ऐसे में आपको बता दूं, अभी अभी इसी यूजर ने फिर राउंड 12 के खिलाफ कंप्लेन कर दिया हुआ। ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ऐसे गालीबाज राउंड 12 यूट्यूबर्स पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। आज के समय में बच्चे को और बड़े लड़का लड़की को गालियां परोस रहे हैं। इनकी गाली भरी वीडियो से शिक्षित युवा पर बड़ा फर्क पड़ रहा है, सरकार कृपया संज्ञान ले। दोस्तों, ऐसे में आपको बता दूं, उन्होंने ट्वीट करते हुए नीचे मेंशन किया हुआ पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को। जैसा कि आपको पता हुआ पीएम मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, अगर ऐसे में वो एक्शन ले लिए तो एक बड़ा मैटर खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या ये राउंड 12 के खिलाफ कोई